हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए बिस्किट सैंडविच चाट की रेसिपी। किसी भी तरह की पार्टी हो, कॉकटेल पार्टी, मॉकटेल पार्टी, किटी पार्टी या बच्चों की पार्टी, हर पार्टी की रौनक बढ़ा देगी ये रेसिपी। तो आइए देर ना करते हुए झटपट देख लेते हैं इसकी रेसिपी। सो जॉइन मी टू माय किचन। इस बिस्किट सैंडविच चाट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें तैयार कर लेनी होगी इसकी फिलिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है 2 मीडियम साइज्ड उबले हुए आलू, जिनको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और लिया है छोटे छोटे कटे हुए प्याज। यहाँ कोई प्रोपोर्शन कंट्रोल की जरूरत नहीं है। थोड़े से टमाटर छोटे छोटे कटे हुए टुकड़ों में, और हरी मिर्च, आपको अगर हरी मिर्च पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक सॉल्ट या काला नमक, और नॉर्मल जो व्हाइट सॉल्ट है स्वाद अनुसार, और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब चाट मसाला, जो इसे एक अच्छा फ्लेवर देगा। थोड़ा सा इसमें नींबू, ये खटास बहुत ही इसको रिफ्रेशिंग एक टेस्ट देगा इस फिलिंग को। और यहाँ मैं डाल रही हूँ जो भुजिया सेव आती है ना, उसके जो एकदम फाइन वर्जन होते हैं ना, उसी का मैं खूब सारा यूज कर रही हूँ। फिर इसके बाद में इस फिलिंग को अच्छी तरह से इस तरह मिला लेंगे। आलू के पीसेस को ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, तो मिलाते समय हम कोशिश करेंगे कि आलू के पीसेस को थोड़े थोड़े और छोटे टुकड़ों में हम इस तरह क्रश कर ले चम्मच की मदद से। ये देखिए इस तरह, और सारी चीजें आपस में बहुत अच्छी तरह से मिला ले। और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ लाल मिर्च और भुना हुआ जीरा का पाउडर। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज करें, इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। तो मैं इसका यूज लगभग हर चाट में ही करती हूँ, तो यहाँ उसका मैंने यूज किया है, और मैं फिर से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले रही हूँ। तो फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ मैंने लिया है 50-50 टाइम पास बिस्किट, आप मोनाको बिस्किट ले लीजिए, कोई भी ऐसे गोल आकार के नमकीन बिस्किट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा टमाटो केचप लिया है, और वही भुजिया सेव जो एकदम फाइन आती है उसे लिया है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये सैंडविचेस बनाना। तो देखिए किस तरह मैं बना रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़ जाएं मेरे साथ मेरे सफर में। तो इस तरह मैं फिलिंग को लेकर बिस्किट के ऊपर रख रही हूँ। थोड़ा ज्यादा अमाउंट में ले और इस तरह हल्के हाथ से प्रेस कर ले। ये बिस्किट्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इजीली टूट जाएंगे, तो बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह दबा ले। ये एक तैयार हो गया है। अब मैं और एक बनाकर आपको दिखाती हूँ। खूब सारा फिलिंग ले, अच्छी तरह से सेंटर में प्लेस करें, और फिर दूसरे एक बिस्किट से उसे अच्छी तरह से ऊपर से प्रेस कर ले। कॉर्नर्स में भी खाली ना रखें। ये देखिए काफी सारा मैंने फिलिंग लिया है, और अब मैं इसको ऊपर से और एक बिस्किट से प्रेस कर लूंगी हल्के हाथों से। ये देखिए कुछ इस तरह। तो बस अब इसी तरह मैं सारे बिस्किट सैंडविचेस को तैयार कर लूंगी। ये देखिए, मेरे सारे सैंडविचेस बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ, देखिए किस तरह। इसके लिए मैं यूज करूंगी टमाटो केचप का। टमाटो केचप को इस तरह स्पून में लेकर कॉर्नर्स में, जहाँ से वो फिलिंग आपको दिख रही है, वहाँ इस तरह स्पून की मदद से अच्छी तरह टमाटो केचप को लगा ले। एकदम अच्छी तरह से लगा ले पूरे बिस्किट के चारों तरफ। टमाटो केचप लग जाने के बाद अब हम इसे जो भुजिया सेव हमने लिया है उस पर रोल करेंगे इस तरह, ताकि सेव जो है वो बिस्किट के चारों तरफ अच्छी तरह से लग जाए। इसमें स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, और देखने में तो क्या कहूँ, लाजवाब। खुद ही देख रहे हैं आप, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इसे कोट कर ले। और इसके लिए ना, ये एकदम जो फाइन भुजिया आती है ना, उसका इस्तेमाल करें।
थोड़ा सा मोटा या थोड़ा रफ होगा ना, तो उससे ये अच्छी जो फिनिश है वो आएगी नहीं। स्वाद में शायद बहुत ज्यादा हेर फेर ना हो, लेकिन जो लुक है वो ये फाइन सेव भुजिया जो है उससे बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, मैं सारे सैंडविचेस को इसी तरह अभी तैयार कर लूंगी। ये देखिए, रोल करके अच्छी तरह से कोट कर लूंगी। ये देखिए इस तरह। तो ये देखिए, सारे बिस्किट सैंडविचेस बनकर तैयार है, और मैं ये ऊपर से थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्च के साथ गार्निशिंग कर रही हूँ। अगर आपको हरा धनिया पसंद है तो उसका इस्तेमाल करें। हमारे घर में बहुत ज्यादा इसे नहीं पसंद करते, तो मैंने उसे स्किप कर लिया है। तो ये देखिए, हमारी बिस्किट सैंडविच चाट सज धज कर तैयार है पार्टी की रौनक बढ़ाने के लिए। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई है और इसे जरूर ट्राई करें। बहुत ही आसान है और मेहमान खुश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल वी मीट अगेन, टेक केयर एंड बाय।